गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये ईद का दिन है, आप सबको ईद मुबारक। और ईद की तैयारियां शुरू हो गई है, तो मैं ये गुलगुले तल रही हूँ अपने। तो ये गुलगुले मेरे रेडी हैं थोड़े से, और मुझे थोड़े तलने थे, वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद में ना हम लोग दीवान चले गए थे, क्योंकि दीवान पे चांद रात का बहुत बड़ा जश्न होता है यहाँ शिकागो में। तो हम लोग वहीं पे चले गए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब दीवान है। तो यहाँ पे ना कपड़े और जो भी एक्सेसरीज आपको चाहिए ईद के लिए, और मेहंदी, हर चीज़ का इंतज़ाम होता है चांद रात के दिन। और बहुत सारे लोग सबब से भी यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि द प्लेस टू बी ऑन चांद रात इज़ दीवान इन शिकागो। तो हम लोग भी यहाँ चले गए थे, और आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही भी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे चांद रात के दिन दीवान पे। तो बहुत मुश्किल था चलना। तो हम लोग तो ज़्यादा उतरे नहीं, हम लोग गाड़ी में ही थे। तो ये मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं गाड़ी में से, वही दीवान के क्लिप्स है ये। और इसके बाद मैंने अपनी मेहंदी लगवाई, तो ये मेरी मेहंदी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये मेहंदी का डिज़ाइन है मेरा। तो ये मैंने अपनी मेहंदी लगवाई, और मैंने थोड़ी देर बाद इसको धो भी दी थी। तो ये है मेरी मेहंदी धोने के बाद है। और ये हम लोग ईद की नमाज़ के लिए जा रहे हैं, तो ये दूसरा दिन है, तो हम लोग ईद की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग गए थे हॉलीडे इन ईद की नमाज़ के लिए। तो ये हॉलीडे इन है, और ये औरतों का सेक्शन है ये हॉलीडे इन का नमाज़ के लिए। तो ये हम यहाँ पे हम लोग अपनी नमाज़ पढ़े, और आप देख सकते हैं कि बहुत चहल पहल है यहाँ भी, क्योंकि बहुत लोग आए थे ईद की नमाज़ के लिए। और ये बाहर निकलने के बाद का है, तो ये पार्किंग लॉट है हॉलीडे इन का। तो हम लोग अब नमाज़ पढ़कर वापस जा रहे थे, और बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे थे, क्योंकि और एक जमात होनी थी नमाज़ की, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे अभी भी। तो ये वो पार्किंग लॉट है जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी, और आप देख सकते हैं सब लोग अपनी ईद की स्पिरिट में हैं यहाँ पे। हमारी नमाज हो गई है, और हम अब जा रहे हैं ईद की नमाज के बाद। यहाँ एक रेस्टोरेंट आए हैं लंच के लिए। तो ये देखिए, पीछे मेरा रेस्टोरेंट है, ये है पीटा इन रेस्टोरेंट, जो मेडिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो इसमें जाएंगे और अपना लंच कर। रेस्टोरेंट है पीटा इन रेस्टोरेंट। चाय पीती हूँ।
खाना आ गया है। ये हुम्मस है और ये श्रिम्प के कबाब है सैलेड के साथ, और ये राइस है, और ये कबूले है, सैलेड है ये भी, और ये फलाफल प्लेट है, फलाफल है, चावल है, और ये ग्रेप लीव्स है, इसमें भी हुम्मस है, और ये फलाफल सैंडविच है ये, और पिटा ब्रेड। शाम हो गई है, आप देख सकते हैं कि ये मगरिब का टाइम है ऑलमोस्ट। तो हम लोगों ने अपना डिनर अर्ली डिनर करा है, तो हमारा डिनर हो चुका है और हम ये कुछ चीज़ें गिफ्ट और थोड़ा सा खाना लेकर जा रहे हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के पास जा रही हूँ मैं। तो उनसे ईद मिलना है और उन्हें ये गिफ्ट और खाना देना है, और उसके बाद में अगर हो सके तो हम लोग चाय पीने के लिए जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे बाल उड़ रहे हैं, तो बहुत सर्दी है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा सोर थ्रोट हो गया है, तो इसलिए थोड़ी सी चाय पियेंगे और पान खाएंगे, और ऑफकोर्स आपको बताऊंगी कि तो मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो हम लोग अब आए हैं दीवान चाय पीने के लिए और पान खाने के लिए, क्योंकि ईद तो अधूरी है चाय और पान के बिना, तो हम लोग यहाँ आए हैं। तो आप सबको ईद मुबारक, और आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग, छोटा सा व्लॉग है, ये पसंद आया होगा, और मैं फिर मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।